हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके एमसीक्यू कराने वाली हूँ, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए, महात्मा गांधी पर कौन कौन से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं वह हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन आंसर का एमसीक्यू सेशन जो है हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन किसने कहा, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। आंसर है महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी का कथन था, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। दोस्तों, यह कथन आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं हम। शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए रेजुलेशन जो है पास किया था। ये आप देख लीजिएगा, यह रेजुलेशन जो है वह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए 2007 में पास किया था और हर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अंटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था। आंसर है, उन्होंने नाम दिया था सर्वोदय। महात्मा गांधी जी ने अंटू दिस क्लास को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को जो है वह सर्वोदय का नाम दिया था। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या डिटेल्स है इसके बारे में। महात्मा गांधी जी ने 1908 में सर्वोदय के शिक्षक के तहत अंटू दिस क्लास को गुजराती में अनुवादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। आंसर है पोरबंदर, ऑप्शन ए पोरबंदर। महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वह पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर जो कि गुजरात में है वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का नाम निम्नलिखित में से किस नारे से जुड़ा है। आंसर है करो या मरो, ऑप्शन ए करो या मरो। गांधी जी ने यह नारा दिया था करो या मरो का। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगस्त 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। आंसर है 1930। महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों द्वारा दांडी मार्च जो है वह 1930 में शुरू किया गया था।
12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च की जो है शुरुआत की थी। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत थी, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों में जो है तय किया था। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि 24 दिनों में। महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी तक की जो यात्रा की थी उसे उन्होंने 24 दिनों में जो है तय किया था। चलिए यहाँ पे डिटेल डिस्कस कर लेते हैं हम। महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है और यह टोटल 24 दिनों में इन्होंने जो है तय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है। आंसर है अहमदाबाद। साबरमती आश्रम जो है वह अहमदाबाद में स्थित है। चलिए यहाँ पे डिटेल्स हम लोग कुछ देख लेते हैं। सत्याग्रह आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी जी ने 25 मई 1915 को अहमदाबाद में अपना पहला आश्रम के रूप में जो है किया था। जब वे अपने 25 साथियों के साथ दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, बाद में इसे जुलाई 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया और साबरमती आश्रम नाम जो है वह दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि यही सभी सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, हिंद स्वराज, सत्याग्रह, ये तीनों ही पुस्तक जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। आंसर है चंपारण, ऑप्शन ए, यानी कि चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ही भारत में जो है महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन जो कि था। चलिए यहाँ डिटेल्स देख लेते हैं। पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। यह कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था 1917 में, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो यह है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि असहयोग आंदोलन। 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है।
आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि यह तीनों ही जो है महात्मा गांधी के जी के द्वारा जो है लिखा गया था। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आज़ादी शामिल ना हो, यह भी जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। दूसरा है, पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे, यह भी जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट है, क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है, यह भी जो है महात्मा गांधी के जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये तीनों ही जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार जो है किसने निभाया था। यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बेन किंग्सले ने। बेन किंग्सले ने जो है 1982 की फिल्म गांधी में जो है महात्मा गांधी जी का किरदार जो है निभाया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यह नाम याद रखिएगा, बेन किंग्सले। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ हम लोग देख लेते हैं। गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले और नाथूराम गोडसे की जो है उनकी भूमिका निभाई थी हर्ष नैयर ने। आप इन दोनों का ही नाम याद रखिएगा, नाथूराम गोडसे की भूमिका निभाई थी हर्ष नैयर ने और महात्मा गांधी जी में महात्मा गांधी जी की जो भूमिका निभाई थी वह थे बेन किंग्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। आंसर है ऑप्शंस, ऑप्शन ए यानी कि 1930। इसी टाइम में टाइम मैगजीन ने जो है महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर जो है वह घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी जी की जो है महात्मा गांधी की हत्या जो है वह कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा।